Camila Amaral Camisa, tu Camisa. Tu Camisa. If narration kya milega? Being commission, being commission, receive. Mila hai ye receive word use kar. Kitna mila commission? तो जितना मिला कैश के सामने डेबिट मिलेगा 500 और क्रेडिट मिलेगा टू कमीशन के सामने 500 एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट तो दोनों तरफ एंट्री होती चली जाएगी। लास्ट में एंट्री दिए मेरा अकाउंट को फिर उसका बैंक टोटल लगाएंगे। लास्ट में एंट्री में 10th जनवरी और 10th जनवरी को क्या लिखा है मैंने कैश पेड टू मोहन पेड टू मोहन मोहन कौन से ग्रुप का नाम है पर्सनल पर्सनल पे क्या मिले डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर मोहन को पेमेंट किया तो मोहन कौन हो गया रिसीवर तो डेबिट किसको करेंगे मोहन कल मैंने ये भी बताया था कि किसी पर्सनल नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं आएगा मोहन डेबिट कितना 5000 तो डेबिट के बाद होंगे 5000 कैसे पेमेंट किया मोहन को टू कैश और 5000 क्रेडिट नरेश क्या बोलेगा बीम अमाउंट पेड टू मोहन बीम अमाउंट पेड टू मोहन ये अपने को इसमें पढ़ेंगे इसका ध्यान रखना है और ये अंडरलाइन करके इसको क्लोज जितनी भी एंट्री दी रही है हमारे को उन सारी एंट्रीज में जो भी वैल्यू देख रखी रहेगी वो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ आएगी और दोनों तरफ आएगी उसके हिसाब से हमें उसकी वैल्यू दोनों तरफ लिखना है डेबिट में भी लिखना है और क्रेडिट में भी लिखना है तो हर एंट्री के कोई फिर डेबिट क्रेडिट करते हुए इस तरीके से हमारे को जर्नल की एंट्रीज ये सॉल्व करना है। तो जब भी एंट्री करें सबसे पहले नेचर देखें कि वो इनकम है या एक्सपेंसेस है वो पर्सनल है या नॉमिनल है रियल है किस तरीके का है उस तरीके से अपने को इसमें एंट्री करना है। तो पेड मतलब एक्सपेंसेस रिसीव मतलब इनकम और किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो क्या कहलाता है इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मतलब किस रूप में आना है पर्सनल। तो हमने तीनों रूल्स को यहाँ पे एप्लीकेबल करके देखा है नॉमिनल के दो हो गए एक इनकम का हो गया और एक रियल का हो गया। कल मैंने मशीन परचेस करने का बताया था मशीन परचेस करने को भी किस रूप में आता बिलोंग्स टू असेट और असेट मतलब किस रूप में आती रियल। तो मशीन अकाउंट या टू कैश में हमने एंट्री कर रखी तो ये जनरल एंट्री अपने को करना है। बुक्स में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है उनको इस बेसिस पे सॉल्व करें और अनसॉल्व के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व इस बेस पर होंगे। तो ये अपने को पर्टिकुलर इसमें ध्यान रखना है कि जनरल एंट्री एडमिट अब बुक्स में अपने को सॉल्व एग्जाम्पल लिए होंगे सॉल्व एग्जाम्पल करना है उसमें तो डाउट डिफिकल्ट होगी वो बाद में हम लोग शेयर करेंगे। तो दिस इज जनरल एंट्री द बेस एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंट्स नरेशन लिखना है और इसकी ग्रैंड टोटल लिखेंगे 1100 1600 और ये हो जाएगा 6600 डेबिट की टोटल क्योंकि 6600 दोनों की टोटल 9 क्लोज ये हमारा जनरल का रूल है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो बुक्स में आप लोग करें कोई डाउट डिफिकल्टी हम लोग इसको शेयर करें बस इतना ही ध्यान रखें बुक्स को जरूर देखें सॉल्व एग्जाम्पल पहले करें और सॉल्व एग्जाम्पल के बाद में अनसॉल्व कर लो सॉल्व करेंगे इसको जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आज कुछ नहीं हुए दे रहा हूं जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000 गुड्स 5,000 और आगे दिया है फर्नीचर 2,000 मतलब जनरल एंट्री में लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000 गुड्स 5,000 और फर्नीचर 2,000 अगर एक बिजनेस चालू करा तो उसमें कैश हमने 10,000 की लगाई
गुड्स हमने 5,000 के लगाया और फर्नीचर उसमें 2,000 का लगाया। दूसरे एंट्री में है कैश सेल्स, कैश सेल्स रुपीज 1,000, 1,000 रुपए में नगद माल बेचा। फिर लिखा है यहां पर कैश परचेज, कैश परचेज रुपीज 500। फिर दिया सैलरी पेड, सैलरी पेड रुपीज 1,000 और आगे लिख रहा हूं डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव रुपीज 500। ये हमको जनरल एंट्री करना है। तो आज ये तीन जनरल एंट्री नहीं है, 1, 2 और 3। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में क्या पैसा होता है और जो बिजनेस में पैसा लगाया था उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल। क्या वर्ड यूज करते हैं उसको कैपिटल। तो यहां पर हमारे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। और क्या लगा साथ में गुड्स, तो गुड्स को यहां पर हम स्टॉक वर्ड यूज करेंगे, स्टॉक अकाउंट डीआर। और क्या लगा है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डीआर। ये सब कैपिटल में क्रेडिट होता है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो होता नहीं इतना बिजनेस में पैसा लगा या कितनी कैपिटल लगाई, तो बिजनेस में जो पैसा लगता है वो सब क्या कहलाता है कैपिटल। तो कैश के सामने कितना है 10,000, गुड्स मतलब स्टॉक के सामने कितना है 5,000 और फर्नीचर के सामने कितना देख रखा हुआ है 2,000। तो क्रेडिट में इन सब की तीनों की टोटल कितनी आ जाएगी 17,000। नरेशन क्या होगा बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या कमेंस्ड। स्टार्टेड का मतलब भी चालू करना, कमेंस्ड का मतलब भी स्टार्ट करना। दूसरी एंट्री दी, दूसरी एंट्री क्या दी है कैश सेल्स। सेल्स को नॉमिनल अकाउंट बताया था मैंने, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि जो भी हमें पैसा मिलता है, जो भी हमें पैसा मिलेगा तो हमारे क्या होती है इनकम। सेल्स में हम बेचेंगे तो पैसा हमें मिलेगा, और जब पैसा मिलता है हमारे क्या होती है इनकम, और इनकम होने से क्या होती है क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर हमारी एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, सेल्स से हमारे को पैसा मिला, कितना मिला सेल्स से यहां लिखा 1,000, यहां भी कितना लिखा 1,000। बेचेंगे तो सेल्स से पैसा मिलेगा। डेबिट व्हाट करेंसी, हमारे पास में क्या आया पैसा आया। कैश किस ग्रुप को बिलोंग करता है असेट्स, और असेट्स किस ग्रुप में आता है रियल। डेबिट व्हाट करेंसी आपके पास में क्या आया कैश, तो कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। नरेशन क्या होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने वस्तु बेची बीइंग गुड्स सोल्ड। तीसरी एंट्री यहां पर है कैश परचेस, परचेस हमें क्या होगा खरीदना। जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा आ ही रह जाएगा, परचेस में हमारी जेब में से पैसा जाएगा। तो ये हमारी इनकम है एक्सपेंसेस, इट इज एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हमें क्या होता है डेबिट, और रूल क्या है हमारा नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां परचेस को डेबिट करेंगे, एंट्री क्या बताएंगे हमारे यहां पर परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। कितना खरीदा हमने, हमने और वस्तु खरीदी हुई 500 रुपीज की, यहां भी 500 रुपीज। क्या हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स परचेस्ड, क्या होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड। ये वापस रिटर्न होगा यूजुअल सैलरी पेड, पे करेंगे तो हमारे जेब से पैसा क्या होगा जाएगा, और सैलरी हमारे लिए क्या हो जाती है एक्सपेंसेस। अगेन ऑल एक्सपेंसेस इन इनकम, ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस आर डेबिटेड। उस एक्सपेंसेस का नाम क्या देकर रखा हुआ है सैलरी। एंट्री क्या बनती है हमारे यहां पर सैलरी अकाउंट
dr, salary account dr to cash. Salary हमें कैसे दी जाती है? Cash में कितनी दी है salary? तो salary के सामने debit पे 1000 और credit में भी 1000. Conversion क्या होगा? Being salary paid. Conversion क्या होगा? Being salary paid. आखिरी इंट्री दी है जिसमें डिफरेंस क्या लिखे रखा हुआ है? डिफरेंस लिखे रखा हुआ है या लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव. क्या वर्ड देख रखा हुआ है? डिस्काउंट रिसीव. तो रिसीव मतलब क्या होता है हमारे लिए? इनकम. और इनकम मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. तो एंट्री क्या बनेगी हमारे यहाँ पर? कैश अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट. इनकम का क्या नाम है? यहाँ पर कितनी की एंट्री आएगी? 100 इधर, 100 इधर. और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डिस्काउंट रिसीव. बीइंग डिस्काउंट रिसीव. तो ये एंट्री जितनी भी रिक्वायर्ड है 1, 2, 3, 4, 5 ये हर बार अपने को पूरे बुक्स में रिपीटेड होती रहेगी. और फर्स्ट वाले एंट्री का सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा. जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये एंट्री मिलेगी. तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या क्या लगेगा? कैश लगेगा. दुकान में हमने जो वस्तु रखी है तो गुड्स लगेगी. दुकान में फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर लगेगा. तो ये सारे हमारी कैपिटल होती है. इसलिए कैपिटल अकाउंट हमेशा हमारा क्या होगा? क्रेडिट. और जो भी बिजनेस में आया हुआ ये सारे एसेट्स है. कैश, स्टॉक, फर्नीचर. अपनी लिस्ट थी कि डेबिट का सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा? असेट्स. और असेट्स में भी ये नाम लिखवाए हुए. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. और रियल क्या क्या मिले? डेबिट ऑल, डेबिट बॉर्ड टर्म्स इन, क्रेडिट बॉर्ड गोज आउट. ये भी अलग है. तो ये सब डेबिट किए. दूसरी एंट्री मैंने लिखवाई सेल्स. जब हम माल बेचेंगे, माल बेचेंगे तो हमें क्या आएगा? पैसा आएगा. कैश मिलेगा हमारे को. अब कैश यदि मिलेगा तो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है? हमारे लिए इनकम है. और उस इनकम का नाम क्या है? सेल्स. क्योंकि पैसा वस्तु को बेचने पर मिला. यहां सेल्स को क्रेडिट कर दिया. एंट्री क्या बनेगी हमारी? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स. ठीक. बीइंग गुड्स सोल्ड. ठीक. इसका उल्टा, जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे या बेची थी तो पैसा मिला, खरीदा था तो पैसा हम क्या करेंगे? देंगे. तो परचेज डेबिट हो जाएगी क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है. और उस एक्सपेंसेस का नाम क्या रहेगा? परचेज. खरीदना होगा परचेज. तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डी आर टू कैश. मेंशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज. फिर आगे देखे रखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव कितना देखे रखा हुआ है? 100. और 100 का मिला है. रिसीव का मतलब मिला. मिला मतलब इनकम. और इनकम क्या होगी? क्रेडिट. और उस इनकम का नाम क्या देखे रखा हुआ है? डिस्काउंट. एंट्री क्या लिखी हमने? कैश अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट बीइंग डिस्काउंट रिसीव. तो ये जर्नल एंट्री बुक्स में सारी ऐसे ही रिपीटेडली मिलती जाएगी. हमें ये सारी जर्नल एंट्री बुक्स में से करना है. अनसॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, जिनमें ये सारी की सारी एंट्रीज रिपीटेडली आएंगी. बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस कब एंड, बिजनेस ओपन. और हमेशा कैश, गुड्स, फर्नीचर आएगा या मशीन आएगी. तो कैश मतलब कैश, गुड्स का मतलब रहेगा स्टॉक. हमें क्या मैं यूज करना है यहाँ पर? स्टॉक. मान लो किसी ने मोबाइल की शॉप स्टार्ट, तो दुकान में क्या रखेगा? मोबाइल. मोबाइल उसने क्या रखा है? स्टॉक. तो ये स्टॉक है. फर्नीचर दुकान बनाया तो फर्नीचर भी बनाएगा, तो फर्नीचर भी असेट्स होगी, वो भी हम क्या करेंगे? तो बिजनेस स्टार्ट करते समय नॉर्मल उसने कितना पैसा लगाया? जो पैसा लगाया वो क्या कहलाता है? कैपिटल. तो कितना बिजनेस में पैसा लगाया उसने? अभी एग्जाम्पल के लिए 17 लगाया. और ब्रेकअप क्या है 17 का? तो 10,000 बिजनेस में कैश लगाया, 5,000 रुपए का स्टॉक लगा, 2,000 रुपए का फर्नीचर लगाया. तो दिस इज द ओपनिंग एंट्री ऑफ द जनरल एंट्री जो अपने को हर जगह मिलेगी. एग्जाम में भी ये एंट्री हमेशा पूछी जाती है.
सेल परचेज कंफर्म है शॉप है तो माल बेचेगा शॉप है तो परचेज करेगा और भी एक्सपेंसेस करेगा तो जितने भी वो एक्सपेंसेस करेगा वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो गए ना जो भी मिलेगा उसको क्या करेंगे क्रेडिट तो हमें ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है नेचर पता करना है कि क्या ये इनकम है या ये एक्सपेंसेस यदि ये इनकम है तो क्रेडिट होगी और यदि ये एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा अब इनकम और एक्सपेंसेस को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है नॉर्मली पेड वर्ड यूज होता है या रिसीव वर्ड यूज होता है तो पेड का मतलब दिया दिया मतलब पैसे गए पैसे गए मतलब एक्सपेंसेस ठीक उसी प्रकार से रिसीव वर्ड दिया होगा इनकम रिसीव में हमें क्या मिलता है पैसा मिलता है इनकम है और इनकम को क्या कहेंगे क्रेडिट तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट और जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो हम हमेशा उस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जितने से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप लोगों को इसकी जर्नल एंट्री के जितने भी एग्जाम्पल्स रूप में दिए हुए हैं हमने वो करना है और ध्यान यही रखना है कि जो एंट्री दी है क्या वो एसेट्स है क्या वो इनकम है क्या वो एक्सपेंसेस है क्या वो लाइबिलिटी है ये यदि हम लोग पहचान लेंगे हमारी जर्नल एंट्री आसान होगी मतलब लिस्ट बना के दी हुई या डेबिट एक कॉइन बताया था कि डेबिट एक कॉइन है जिसके दो हिस्से होते हैं या तो एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स एक्सपेंसेस में मैंने लिस्ट दी थी रेड रेट टैक्स सैलरी टेलीकॉम एक्सपेंसेस इंश्योरेंस परचेज ये सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है ठीक उसी प्रकार से मैंने एसेट्स बोला था तो एसेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक कैश बैंक ये सब मैंने नाम लिए तो वो अपने को याद रखना है तो उन नामों को यदि हम लिस्ट के मुताबिक याद रखें तो हमें याद रहेगा कि हमें इसका नेचर पता चल जाएगा कि ये इनकम या एक्सपेंसेस एक कॉइन मैंने क्रेडिट का बताया था कि कॉइन के दो पार्ट है एक या तो इनकम है या फिर लाइबिलिटी है और इनकम में क्या रूल है सेल्स करने पर इंटरेस्ट मिलने पर रेंट मिलने पर मींस मैन एनी अमाउंट रिसीव दैट इज आवर इनकम और पेड का मतलब एक्सपेंसेस है तो बहुत आसान है बाय क्रेडिट करना लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारे किसी प्रकार का पेमेंट करना टू पे दैट इज लाइबिलिटी लोन लिया है लोन देना पड़ेगा किसी से उधार बात करेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा दैट इज लाइबिलिटी तो जब भी हम सवाल करेंगे तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है कि ये इनकम है या एक्सपेंसेस है एसेट्स या लाइबिलिटी है इनकम होगा तो क्रेडिट करना है एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करना है असेट्स रियल ग्रुप को मिला करता है डेबिट भी होगी लाइबिलिटी क्रेडिट है लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे तो इस तरीके से हमें याद रखते हुए जनरल एंट्री करना है तो आप लोग अपनी बुक्स में से इसकी एंट्रियां करें और कोई डाउट होगा तो फिर अपन इसको बाद में डिस्कस करें